हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 5, संज्ञा। क्या कहता है पाठ? संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आइए पाठ पढ़कर संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करें संज्ञा व उसके 3 भेदों के बारे में। मित्रों से चर्चा कीजिए। बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। किरण अखबार पढ़ रही है, श्याम ने घड़ी खरीदी, सोहन मोहन में गहरी मित्रता है, ताजमहल आगरा में है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा है, क्योंकि वे किसी ना किसी के नाम है। किरण, श्याम, सोहन, अखबार, मोहन, घड़ी, मित्रता। व्यक्तियों के नाम किरण, श्याम, सोहन, मोहन। वस्तुओं के नाम अखबार, घड़ी। भाव का नाम मित्रता। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी वीर योद्धा थे, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, उन्होंने गीता का उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, पंडित पूजा कर रहे हैं, यह मेरी किताब है, दुकानदार ईमानदार है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी से रहना, गर्मी के कारण थकान हो रही है, थकान से प्यास लग रही है, मोटापा सेहत के लिए हानिकारक है। अन्य भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सुख, गर्मी, ममता, दया, क्रोध, शांति, वीरता आदि। संज्ञा के अन्य भेद: द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदाय, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, तेल आदि। समुदाय, समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह, समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदाय, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, जुलूस, सभा, जनता आदि। भाववाचक संज्ञा, बनाना। जातिवाचक संज्ञा से बच्चा, बचपन, मानव, मानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, पशु, पशुता, मनुष्य, मनुष्यता, माता, मातृत्व, देव, देवत्व, वीर, वीरता। क्रिया से हंसना, हंसी, चलना, चाल, लिखना, लिखावट, रोना, रुलाई, पढ़ना, पढ़ाई, खेलना, खेल। विशेषण से मीठा, मिठास, मोटा, मोटापा, अच्छा, अच्छाई, कड़वा, कड़वाहट, पढ़ना, पढ़ाई, खेलना, खेल। पाठ पढ़कर हमने सीखा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं: द्रव्यवाचक और समुदाय, समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।